हेलो एवरीवन, आई एम रोमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रोमी। और आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, बिकॉज हमारे घर पे आज आ रही है रिचा दी लोग, यानी मेरी सारी फैमिली आ रही है लंच पे, एक्सेप्ट मेरी मम्मी, बिकॉज मम्मी को कुछ काम आज आन पड़ा है तो मम्मी नहीं आएंगी, एक्सेप्ट मम्मी, बात बाकी सब लोग आ रहे हैं लंच पे। तो आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। साथ ही इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे और अंकुर को क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बनी रहिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाना, बिकॉज मैंने सबको लंच के लिए इन्वाइट करा है, तो अभी चलते हैं लंच बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सब लोग अभी आ गए हैं, धक्का मारो, तुम खाती नहीं, तुमसे गोलेगा क्या? आई बाबा। हाय रोमी मौसी। गुड। तुम और इसके लिए फ्री है, ये नहीं खालेगी तो छोड़ दो। खा लीजिए, गोलू ही बता रही है तुम्हारा घर कौन सा है। देखने जा रही हो मेरे घर में तुम? लीची। लीची? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चलो रोमी मौसी, तुमको लीची दिखाएगी अपने घर में। ओ सोमी मौसी, तुम भी आओगी? ओ ईजा जी, तुम भी आ रही हो? आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। रोमी मौसी, सबको लीची का वेट देखना। गुल्लू कैसा लग रहा है? ये तो पक रहा है। पक रहा है? तुमको लेना है क्या? तुम टच कर पा रही हो ना? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? कैसा लगा? राहुल नीचे आए, ऊपर ऊपर नहीं आए, ऊपर पता नहीं। ओ हाँ 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 हाँ, आए हैं वो। राहुल जी मेरे तिलक में कहाँ आए थे? राहुल जी मेरे तिलक में नहीं आए थे। राहुल जी मेरे तिलक में नहीं आए थे। गोलू यहाँ पर लीची देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। गोलू अभी हम लोग को रैंप वॉक करके दिखाएगी। रुचि मौसी इसको रैंप वॉक का ट्रेनिंग दे रही है। इनको बहुत अच्छा लगता है, प्लान ताला 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 ताला। शाम को गोलू ये वाला सब लाइन जलेगा ना, सब और अच्छा लगेगा। तो यहाँ इन लोगों की अपनी बात चल रही है और सब लोग साथ में लंच भी कर रहे हैं। तो अभी हो चुकी है शाम, सब लोग आए थे, सब लोग चले गए हैं, पीछे बहुत सारी लीची रेड भी हो गई है, और सब लोग चले गए और मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई, बिकॉज जब लोग आते हैं ना तो आप उनके साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हो, तब को पता ही नहीं चलता आपको ब्लॉग करना है, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया है, बट फिर भी मैंने जितना भी लिया है वो सारी क्लिप मैं लगा दूँगी इस वीडियो में। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और मैं बना रही हूँ आज डोसा, तो सारी क्लिप तो सारा प्रोसेस मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं जा रही हूँ अभी नीचे, तो फटाफट से बनाते हैं डोसा, बिकॉज अंकुर और पापा को पटना के लिए निकलना है, तो उन लोगों के लिए पैकिंग भी करनी है, तो मुझे आज बहुत सारा काम है, तो फटाफट से चलते हैं, पहले डोसा बनाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। घर पे बना रही है डोसा, क्या कर रही है? डोसा बन रहा है, डोसा ये रोस्ट कर दिया मूंगफली, और यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कर दी चटनी के लिए, और अंकुर अभी से करेगा ग्राइंड। तब तक मैं चटनी के लिए तड़का प्रिपेयर कर लेती हूँ और आलू मसाला भी। तड़का कामवाली के बेटे बोलते हैं कि भाभी बहुत बर्तन कर दे रही है, भाभी बहुत सारा हो जा रहा है।
तो अभी मैंने सबको नीचे इवनिंग में डोसा बना के खिला दिया है और अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। तो अभी मैं जाने वाली हूँ छत पे थोड़ी देर। तो ऊपर पूरे पेड़ में लीची आई है और लीची बहुत अच्छे से पक भी गया है। और ये रहा हमारा एरिया, बहुत अच्छा है लीची आया। बगल में आम का पेड़ है, उसमें एक भी इस बार आम नहीं, बहुत कम, इक्का दुक्का सा। कैसा लग रहा है ऊपर आके? मस्त, हवा मस्त है ना। बेचारा अंकुर चला जाएगा तब लीची निकलेगा। बिकॉज अभी ये थोड़ा थोड़ा रेड हुआ है, अभी थोड़ा सा और होएगा, 10 दिन लगेगा। तो ये सारा लीची मेरे कब्जे में होगा। पूरा तोता और चिड़िया हर समय इस पेड़ पर बैठी रहती है एनी टाइम। तो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे। अंकुर का गिफ्ट, जो भी अंकुर को मिले वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी या फिर कभी ब्लॉग में बताऊंगी, बिकॉज अंकुर ने कुछ पैकिंग कर ली है अपनी, क्योंकि उसे निकलना है आज। तो अंकुर की सारी गिफ्ट्स बाहर नहीं है, मेरे सारे बाहर है, बिकॉज मैं अभी यहाँ मुंगेर और जमालपुर, यानी मैं यहाँ पर अभी रुकने वाली हूँ और अंकुर को वापस मुंबई जाना है। तो अंकुर की पैकिंग हो चुकी है और तो मैं उसको जो गिफ्ट मिले वो मैं आपको कभी आगे के ब्लॉग में बताऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ। अभी के लिए मैं आपके साथ मुझे जो गिफ्ट मिले हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने जमालपुर से मुझे दिया है ये पैर के लिए बिछिया। तो ये आप सेकेंड वाली फिंगर में या थर्ड वाली फिंगर में पैर में पहन सकते हैं। और इसके अलावा मम्मी ने मुझे ये नोज़ पिन दी है जो कि मैं हमेशा वेयर करती हूँ। मैं जो बेसर वाली रिंग होती है वो नहीं वेयर करती हूँ। और इसके अलावा मम्मी ने मुझे एक पायल भी दी है, तो ये मेरी मम्मी ने दिया है। और अभी मैंने जो बिछिया पहनी हुई है ये बिछिया मुझे अंकुर की मम्मी ने दिलाया है। और इसके अलावा मम्मी ने मुझे एक और नोज़ पिन भी दिलाई है, बिकॉज मैं ऐसे राउंड वाली नोज़ पिन ही पहनती हूँ, तो मम्मी ने मुझे राउंड वाली नोज़ पिन ही दिलाई है। और इसके अलावा भागलपुर से रिचा दी, राहुल जी, जो पापा और गोलू ने मुझे ये एक नेक पीस दिया जो कि बहुत क्यूट है और मैंने एनिवर्सरी में इसे वेयर भी किया था और मेरी साड़ी के साथ बिल्कुल ये जा भी रहा था। और उसके अलावा अंकुर ने मुझे डेली वेयर के लिए ये जूती और सैंडल दिलाई है, बिकॉज मेरे पास पार्टी वेयर सैंडल्स एंड शूज़ बहुत सारे थे बट डेली वेयर के लिए सैंडल एंड जूती नहीं थी, तो अंकुर ने मुझे ये दिलवाया है। इसके अलावा अंकुर ने मुझे और एक गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया है, वो जब वो मुझे रिसीव होगा तो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। और इसके अलावा मम्मी और रिचा जी ने मुझे कुर्ती एंड गाउन दिए हैं जो कि मैं कभी वेयर करूँगी ब्लॉग में, तो आपके साथ उसका कंप्लीट लुक शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसे ओपन करके नहीं दिखा रही आपको। If you like my video, then please give thumbs up, like, share, subscribe to my channel. Thanks for watching. Till then, bye bye. Take care all.